नमस्कार बंधुरा, मैं कार्तिक वर्मन वेस्ट बंगाल कोचबिहार से। इस गाने में स्टार्टिंग शो रहा है और देखिए ये हमारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इस गाने में। तो हमने सबसे पहले इस गाड़ी में स्मार्ट लगा के कोर्ट चेक करे और कोर्ट के अगेंस्ट में क्या काम है उसके बारे में पूरा डिटेल्स बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कोर्ट दे रहा है कि मीटरिंग यूनिट की और P3003 मीटरिंग यूनिट आउटपुट शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड इरोर और रेल प्रेशर ब्लो मिनिमम लिमिट इरोर इन मीटरिंग यूनिट मोड। तो ये कोर्ट की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमने पहले चेक करेंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और किस तरह का प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपको तो दिखाई दिया स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी और कस्टमर ने गाड़ी को टॉचिंग करके लेके आया। तो हमने एक बार चेक किया और ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट करने से बैटरी से हमने पाम में अगर डायरेक्ट लाइन देंगे तो स्टार्ट होता है, अगर नहीं देंगे बैटरी से डायरेक्ट पाम तक फ्यूल मॉड्यूल तक लाइन तो स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे करके देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसे करके नहीं बंद हो गया ना। ये हमने लाइन को खोल लिया और जो ओरिजिनल लाइन है गाड़ी का वो ऐसे करने से ये ऐसे करके तेल भी आ रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमने चेक कर लिया और गाड़ी में तेल आ रहा है फिल्टर तक लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ा सेल्फ लेके गाड़ी बंद हो जा रहा है, स्टार्ट का मौसम लेता है लेकिन नहीं होता है। तो हमने खोलेंगे पहले, सबसे पहले ये टैंकी का मोटर के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं चेक करेंगे। तो फाइनली एक बार हमने चेक कर रहे हैं इस गाड़ी में। देखिए ये मोटर हमने लगा दिया, जो कपलर लगा था गाड़ी में सही वैसे करके लगा दिया लेकिन इसमें देखिए हवा आ रहा है, तेल के साथ साथ एयर भी आ रहा है। जब हम पूरा डुबाते हैं पाम को तो तेल ठीक ठाक दे रहा है, थोड़ा ऊपर ले आने से देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके एयर बबल्स आ रहा है। तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम क्या होता है गाड़ी में, आपका तेल आएगा लेकिन उसके बाद जाके तेल नहीं आता है ठीक ठाक से। तो इसका क्या रीज़न है उसके बारे में बात होगा और इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कैसे करें वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमने डाउट रहेगा कि इसके अंदर कुछ टूटा फूटा या फट गया ऐसा कुछ है इसलिए यार ले रहा है। तो इसको एक बार चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे भी इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है ना। तो पहले तो समझ में आ रहा है कि इसमें इसके अंदर प्रॉब्लम है तो एक बार चेक करेंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम ना भी हो सकता है तो एक बार चेक करेंगे उसके बाद ही आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये कैसे जो फ्यूल यूनिट है उसको कैसे ओपन करता है, बहुत सारा टेक्नीशियन भाई लोगों को पता नहीं है इसको ओपन कैसे करें अच्छी तरह से। कोई टूटेगा भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा भी नहीं, प्यार से खुलेगा और प्यार से फिटिंग भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे करके ये वाल्व को खोल लेना है दो स्क्रू ड्राइवर की मदद से और उसके बाद 8 नंबर एलकी की मदद से इसको खोल लेना है। उससे पहले आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा भाई उल्टा कर, ये पाइप लगा हुआ है बराबर और बहुत सारा टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं इसका सही प्रोसेस पता नहीं है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे खोलने की कोशिश करता है और ज़्यादातर इस प्रोसेस में ये पाइप डैमेज होने के चांसेस है। तो लेकिन आपको सही प्रोसीजर दिखाएंगे 8 नंबर एलकी की मदद से ऐसे करके प्रेस करने से, अच्छी तरह से पकड़ के मारने से ये पाइप इजीली खुल जाएगा और कोई डैमेज का इशू भी नहीं होगा। तो देखिए ऐसे करके करने से आपका ये पाइप इजीली खुल जाएगा। तो ये प्रोसेस ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई लोगों को पता नहीं है, ऐसे आपको करना है तो आपका कोई डैमेज नहीं होगा और काम भी आसान होगा। तो ऐसे करके हम पहले ये फ़िल्टर खोल के एक बार चेक कर लेंगे, ये मॉड्यूल को खोल के एक बार चेक कर लेंगे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर कुछ लाइन से क्रैक रहेगा तो ये हवा ले सकती है लेकिन इसको चेक करेंगे ये तो सही है, इसको एक बार फिट कर देंगे और फिटिंग प्रोसीड्योर भी आप देख लीजिएगा, इजी प्रोसेस है। ऐसे आपको इस मॉड्यूल को चेक करना है या स्टैंडर्ड जाम है या कुछ आपको इसमें चेक करना है तो ऐसे करके इसको ओपन कर सकते हो और कैसे करके इसका फिटिंग भी कर सकते हो। तो ये सही प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको काम करना है तो आपका काम इजी हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको अभी फिटिंग प्रोसेस भी दिखाएंगे इस वीडियो में, स्टार्टिंग इशू के साथ साथ आपको ये फ्यूल मॉड्यूल कैसे खोलना है और कैसे फिट करना है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। तो देखिए दो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ऐसे करके प्रेस करके इस पाइप को लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद ये क्लीन कर लेना है, हम इसको क्लीन कर लेंगे थोड़ा।
क्लीन करके ये जो नीचे का वाल्व है ये वाल्व को भी फिट कर देंगे। तो फिट करने से पहले आपको क्लीन कर लेना चाहिए एयर मार के, और हमने एयर मार भी दिया और यहाँ पे इसको अभी फिट करेंगे। ऐसे करके फिट करने से आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ऐसे करके फिट होता है, ठीक है ना। तो अभी चेक करेंगे ये, इसमें तो हमारा कुछ नहीं मिला, ये तो ठीक ही है। मॉड्यूल, फ्यूल मॉड्यूल, फ्यूल यूनिट जो भी आप लोग बोलते हो, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार बबल्स क्यों आ रहा है, ये आपका मन में क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बाहर ही चेक करेंगे, इसका मल्टीमीटर लगा के चेक किया, लेकिन अभी ये आपका जो बल्ब टेस्टिंग की मदद से आपको दिखाएंगे, आपको तो पता चल गया। देखिए यहाँ पे इग्निशन ऑन करने के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, लाइन आ रहा है और तुरंत ही कटअप हो रहा है, और उसके साथ साथ ये बल्ब ड्रीम भी हो रहा है। तो इसका वायरिंग का इशू है, हमने वायरिंग को चेक कर लिया पूरा और इसमें ही प्रॉब्लम है। ये देखिए पूरा वायरिंग में इशू है, और आपको कोड देख के भी पता चल सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस लाइन जो मेन लाइन है फ्यूल मॉड्यूल का, इसमें प्रॉब्लम था, इसलिए ये लाइन कभी कभी गाड़ी क्या हो रहा है, और मोटर चल रहा है और कुछ टाइम चलने के बाद ही छोड़ दे रहा है, ड्रीम हो रहा है और एयर बबल्स आ रहा है, ठीक है ना। ठीक ठाक मोटर नहीं घूमेगा, काम नहीं करेगा, तो एयर बबल्स आएगा डीजल के साथ साथ, तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, और अभी हमारा टैंकी का मोटर भी कंप्लीट हो गया, ये क्लीन कर लिया हमने, अभी इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ही ये उठा देंगे और आपको दिखाएंगे गाड़ी स्टार्ट होती कि नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक वीडियो आ रहा है अभी, सभी इंजन का आ रहा है और प्रॉब्लम का तो आएगा BS6 का खास करके, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी इस टैंकी को उठा के हम कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे गाड़ी हमारा स्टार्ट होती कि नहीं। तो हमने अभी टैंकी को उठा देंगे, और देखिए हम टैंकी उठा दिए, सब प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, अभी गाड़ी को सेल्फ मार के स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कोड एक बार चेक करेंगे, और रेडी हो गया हमारा सब, कोड चेक करके स्टार्ट कर देंगे, और एक सेल्फ लेने से स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी। देखिए यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गया पूरा, और अभी कोड क्लियर कर देंगे, जो पहले से कोड था उसको क्लियर कर देंगे, वो जो कोड था हमने अभी क्लियर कर देंगे। अभी देखिए क्लियर कर दिया, नो ये कोड दिख रहा है व्हीकल स्पीड का, वो कपलर में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में कर लेंगे। मेन जो स्टार्टिंग इशू था वो कंप्लीट हो गया, तो हमारा गाड़ी रेडी है, ठीक है ना। तो एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आपको ऐसे करके लॉजिक या प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करना है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपको काम करना है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सभी दोस्त लोग अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।